ग्रेड देंगे परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित करने की याचिका को खारिज किया था और बता दी कि परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। तो आज नीट पीजी एग्जाम होना है, दो शिफ्ट में एग्जाम होगा, 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट एग्जाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया था। परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर उपचुनाव को लेकर बीएसपी की बैठक आज। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में मीटिंग होगी, पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। आज सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में ही बैठक होगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां पर उपचुनाव को लेकर बीएसपी की आज बैठक होनी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में बैठक होगी, पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के साथ में बैठक की जाएगी। आज सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर बीच बाजार में चली गोलियां, सामान खरीद रहे युवक पर 5 राउंड फायरिंग हुई है। युवक ने दुकान में घुसकर जान बचाई। फायरिंग की घटना से बाजार में भगदड़ मची, दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कमला नगर क्षेत्र के बल्केश्वर का मामला बताया जा रहा है। तो बता दें आपको कि बीच बाजार में गोलियां चली है आगरा में और